नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर जोशीमठ से। पहले आपको दिखाएंगे, देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। ये जो लेन देख रहे हैं ये पूरी लेन वहां तक, देखिए वहां तक जाम लगा हुआ है। और पीछे की लेन देखें तो वहां तक लगा हुआ है। आप देखिए कि कितना लंबा जाम है। चलिए इनसे पूछते हैं कि आखिर जो है जाम लगने की क्या वजह है, और ख़ास बात ये अगर यहाँ प्रशासन का कोई होता तो क्या स्थिति होती। ये कितना लंबा जाम लगाता है यहाँ? यह काफ़ी देर का लग रहा है जी। अच्छा, यहाँ पुलिस वाला कोई दिखा जाम खुलवाने? कोई नहीं दिखा जी यहाँ से। कोई नहीं दिखता। अगर यहाँ पे कोई पुलिस के इंतजाम होते तो शायद इतना भीषण जाम नहीं लगता। और ये जो जाम लगने की वजह थी, यहाँ उन लोगों से बात करेंगे। क्या ये जो जाम लगा था, अगर यहाँ पे कोई खुलवाने की पुलिस वाला होता तो जाम खुल जाता जल्दी? अवश्य खुल जाता। यहाँ को दिखा जी कोई? चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से जाम को खोला जा रहा है, और जिसके बाद ये यात्रा, चार धाम यात्रा सुगम होगी। तो आपने देखा कि ये जो चार धाम यात्रा है, ये जो जाम का जाम है, इससे खासा परेशानी हो रही है श्रद्धालुओं को। और जो बात की जाती है फोर्स के डिप्लॉयमेंट की, तो वो डिप्लॉयमेंट फोर्स का नदारद नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेबल या पुलिस वाले तैनात होते तो सिंगल लेन बना के सारी गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाया जाता। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, जोशीमठ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।